मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक ऐसा थाना है जहां पर लॉकअप और मालखाने सहित पुस्तकालय भी मौजूद है और ये एक ऐसा पुस्तकालय है जहां पर न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि आम आदमी भी बैठकर किताबें पढ़ सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सिंगरौली जिले का ये मोरवा थाना है। किताबों से भरे कमरे को देखने के बाद आप इस बात के लिए हैरान हो सकते हैं कि ये लाइब्रेरी है या फिर थाना, लेकिन आपको बता दें कि ये थाना परिसर में स्थापित पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में साहित्य से लेकर उपन्यास और प्रतियोगी परीक्षाओं में सहयोग करने वाली हर वो किताब मौजूद है जिसकी प्रतियोगी को जरूरत होती है। जी हाँ, सही समझा है आपने। इस पुस्तकालय में 1000 से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। सिंगरौली जिले की मोरवा थाना पुलिस ने जन सहयोग और आपसी कॉन्ट्रीब्यूशन से इस लाइब्रेरी को शुरू किया है। अब आसपास के न सिर्फ आम लोग बल्कि खुद पुलिस अधिकारी भी इस लाइब्रेरी में पहुंचकर किताबें देख रहे हैं। ये पुलिस का बड़ा ही नया नवाचार है और इसका श्रेय हमारे थाना प्रभारी मोरबा जो मनीष त्रिपाठी हैं, ये इनकी सोच थी। इनने अपने पुलिस अधिकारियों से कुछ किताबें डोनेट कराई और जितने भी साहित्य से जुड़े लोग हैं उनसे जा जा करके इन्हें उनसे किताबों का जो है दान लिया और अपने कुछ किताबों के साथ संग्रह करके यहाँ पे एक बहुत बड़ा कलेक्शन उन्होंने करीब 500 किताबों का किया है, जिसमें धार्मिक पुस्तकें भी हैं, बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकारों की कहानियाँ हैं, वो किताबें जो प्रसिद्ध राइटर हैं और जिनको विभिन्न पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है उनकी पुस्तकें हैं। और निश्चित रूप से ये समाज को जोड़ने का और सामुदायिक पुलिसिंग का एक बहुत ही नायाब उदाहरण है, इससे लोग जुड़ेंगे। और अभी तक जो पुलिस की प्रति जो छवि थी जिसमें बदलाव COVID-19 के बाद आया और फ्रंटलाइन वॉलंटियर की तरह पुलिस भी एक साथ में बहुत बड़ा जो इजाफा हुआ है, निश्चित रूप से अगला कदम ये होगा। मध्य प्रदेश का ये पहला ऐसा थाना है जिसके परिसर में पुस्तकालय मौजूद है। असल में इसके पीछे सोच ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पुलिस से जुड़ सके ताकि सोशल पुलिसिंग की अवधारणा को सच्चाई में बदला जा सके और न सिर्फ नवयुवक बल्कि एक आम आदमी भी थाने की सीढ़ियां चढ़ पाए, वो भी बिना अपराध किए या बिना फरियादी बने। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार और उनकी प्रेरणा से हम सभी लोगों ने एक कम्युनिटी पुलिसिंग का एक जो महत्वपूर्ण पहलू है उसके तहत पुलिस की जिंदगी में एक जो निरस्ता है उसको भी परिपूर्ण करने के लिए कि पुलिस वाले अपना समय निकालकर थाना परिसर में उपस्थित लाइब्रेरी में अपना समय निकालकर पढ़ें, हम लोग भी अपना ज्ञानवर्धन करें और जो अन्य लोग हैं वो थाने की सीढ़ियां जो चढ़ने में डरते हैं कि पुलिस वाले किस प्रकार से उनसे व्यवहार करेंगे, वो भी एक सामाजिक पुलिसिंग के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत हम उसको सुधारेंगे और सभी लोग आएंगे। और हमने लगभग 1000 पुस्तकों का संग्रह किया है, इसमें ड्रामा, हिंदी साहित्य, सभी प्रकार की पुस्तकें इसमें सम्मिलित हैं और निश्चित रूप से ये भविष्य में सभी लोगों के काम आएंगे और सभी लोगों के बीच में सकारात्मक माहौल बनेगा कि पुलिस ऐसे भी कार्य करती है जो समाज के बहुमुखी प्रतिभा को लोगों को आगे आने का मौका देती है। अभी हमने 1000-1200 जितनी पुस्तकें कलेक्ट की है उसके बाद हम अन्य पुस्तकें भी कलेक्ट कर रहे हैं और मेन इसके पीछे जो आइडिया है वो लोगों को पढ़ने की आदत डालना है। हम अपना व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे थोपा हुआ ज्ञान ही ना हमेशा उसी को ना तार्किक मान लें बल्कि किताबों से अन्य चीजों से क्लियर करें। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की पुस्तकें हैं, नोट्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो ऑप्शनल लोग लेते हैं वो चीजें हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं जो लोग यहाँ पर आकर उसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपने देखा इस अनोखी लाइब्रेरी को। ये लाइब्रेरी अनोखी इस लिहाज से भी है क्योंकि थाना परिसर की सीढ़ियां कोई आम आदमी नहीं चढ़ना चाहता, लेकिन यहाँ सिंगरौली की थाना पुलिस ने आम आदमी को भी थाना परिसर में आने के लिए मजबूर कर दिया है, वो भी कोई सजा पाने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान हासिल करने के लिए। अनादि टीवी के लिए सिंगरौली से रुपेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट।